आए हैं इस किट का नाम है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय होता है नेशनल लेवल, बाल होता है बच्चे, उनका स्वास्थ्य होता है उनकी हेल्थ। तो उस कार्यक्रम होता है एक प्रोग्राम है जो बच्चों की हेल्थ को लेके चलाया गया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, जिसमें बच्चों को किसी बच्चे के दिल में सुराख है, किसी बच्चे के आंखों में प्रॉब्लम है, किसी बच्चे के दांत में प्रॉब्लम है, सुनाई नहीं देता है, या बस आता है, या किसी बच्चे के पांव टेढ़े हैं, या और भी किसी बच्चे को कोई स्किन प्रॉब्लम है, किसी बच्चे को डेंटल प्रॉब्लम है, ये सारी बीमारियाँ बहुत सारी बीमारियाँ इस स्कीम के अंदर आती हैं, जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट इसका इलाज किया जाता है। ठीक है, आप अगर अपने गांव में या अपने आसपास किसी भी बच्चे को देखते हो जिसकी आंखें खराब हैं या जिसके पांव टेढ़े हैं, तो आप अपने सर को बता सकते हो, वो हमें इन्फॉर्म करेंगे, हम उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कराएंगे। वो क्योंकि जो दिल की बीमारियाँ होती हैं तो उसमें बहुत सारा पैसा लगता है इलाज करने में, तो कई लोग होते हैं जो नहीं करवा पाते हैं, तो वो बच्चे ऐसे ही रह जाते हैं और बाद में उनको प्रॉब्लम होती है, वो अपना लाइफ जो है वो अच्छे से नहीं बतीत कर पाते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम चलाई है जिसमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट उन बच्चों का इलाज करती है। ठीक है, अब आपके आसपास कोई भी बच्चा आपको ऐसा दिखे तो आपने क्या करना है, अपने सर को बताना है, ठीक है, ताकि वो RBSK के टीम को बताएं और हम उनका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करें। ठीक है, अच्छा एक बात मैं और बताना चाहती हूँ आपको कि हम लोग हर साल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो अल्बेंडाजोल टेबलेट भेजती है, तो बहुत सारे स्कूल मैंने देखे जो रिसीव तो कर लेते हैं वो टेबलेट, बट बच्चों को देते नहीं है, बच्चे वो खाते नहीं। अब मैं आपको बताऊंगी कि वो दवाई क्यों दी जाती है, किस लिए दी जाती है और उसका क्या महत्व है। ठीक है, ये जो अल्बेंडाजोल की टेबलेट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर बच्चे के लिए इसलिए भेज रही है क्योंकि वो अब हर एक बच्चे का हम टेस्ट करके नहीं देख सकते कि उसके पेट में कीड़े हैं या नहीं हैं, तो हम ये दवाई हर बच्चे को इसलिए देते हैं कि हम चाहते हैं कि किसी भी बच्चे के पेट में ये कीड़ा ना रहे, ताकि ये ना फैले। अब ये कीड़ा आता कहाँ से है, मैंने देखा कि गाँव में जो होता है वो वॉशरूम की फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, बाथरूम्स नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं कई बार बाहर ही चले जाते हैं वॉशरूम के लिए, तो उसमें क्या होता है ये स्टूल के थ्रू ये कीड़ा अगर किसी एक भी बच्चे के पेट में है तो ये कीड़ा जो है ये सॉइल में आ जाता है, जैसे मिट्टी पे अगर हम कहीं बाहर शौच के लिए बैठते हैं तो वहाँ पे ये कीड़ा जो है हमारे बॉडी के स्टूल के थ्रू जो है वो मिट्टी में आ जाता है, और आपको पता है मिट्टी तो एक जगह से उठ के दूसरी जगह चली जाती है, और जो इसके ये जो ये जर्म्स होते हैं, जो ये कीटाणु होते हैं, ये इतने जब ये इनके एग्स बनते हैं वो इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि वो हमारी स्किन के थ्रू भी हमारी बॉडी में पेनिट्रेट कर जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, और जब उनको हमारी स्किन में फिर भी कंडीशन मिलती हैं तो वो वहाँ पर हमारे बॉडी में ग्रो करते हैं और फिर क्या करते हैं वो कीड़े हमारे पेट में वो आ जाते हैं, और जब हमारे पेट में कीड़े होंगे तो क्या होगा, पेट दर्द होगी, पेट खराब रहेगा, दस्त लगेंगे, डायरिया हो जाएगा। ठीक है, और जब आपको डायरिया होगा, पेट दर्द होगी, तो आप लोग क्या करोगे, स्कूल नहीं आओगे उस दिन, है ना, क्या करते हैं बच्चे स्कूल नहीं आते उस दिन, जिस दिन पेट दर्द होती है, या कुछ बच्चे ज़्यादा खाने लग जाते हैं, उनको ओबेसिटी हो जाती है, कुछ लोग कम खाना भी खाने लग जाते हैं, तो इसकी वजह से माल न्यूट्रिशन हो जाता है बच्चों में, तो ये छोटी सी टेबलेट है जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ जो भी कवर होती हैं, और बहुत सारी बीमारियों का से बचने के लिए सिर्फ ये 6 महीने में एक बार ही खानी होती है, तो अगर आप सभी बच्चे एक बार ही खा लोगे ना तो ये बीमारी हमारे देश से ही चली जाएगी। मगर हमारे यहाँ क्या करते हैं, टीचर्स ले तो लेते हैं, रिसीव तो कर लेते हैं, और डर के मारे देते ही नहीं है, और नहीं आप मतलब मैंने मैक्सिमम स्कूल्स में देखा है, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि किस लिए देनी है, किस लिए वो उसका क्या यूज है, किस लिए उसका कितना क्वान्टिटी में देनी है, दर्द में होगी हम देंगे तब तक पेट दर्द होगी, पेरेंट्स आ जाएंगे, जो आपको खुद सर से हर 6 महीने में एक बार मांग के खानी है, ठीक है, ताकि आप लोग स्वस्थ रहो, ठीक है, आपके पेट में ये कीड़ा ना पनपे और ये कीड़ा आपसे किसी और तक ना पहुंचे, ठीक है। पर्सनल हाइजीन क्या होता है, पर्सनल हाइजीन क्या होता है, अपने आप को साफ सुथरा रखना, सबसे पहले साफ सुथरे में आता है हमारा हाथ, हमने हाथ कैसे साफ करते हैं, हैंड वॉशिंग की कुछ टेक्निक्स होती है, कैसे हैंड वॉश करते हैं, किसी बच्चे को पता है नहीं, तो मैं आपको सिखाती हूँ, सारे बच्चे अपने हाथ को बताऊँ, सबसे
पहले से पानी लेने, जबकि हाथ सोप लगाया लगाओ ऐसे करके सोप, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उंगलियों के बीच में, क्योंकि सारी गंद यहाँ यहाँ चिपकी होती है, जो होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, ऐसे क्रिस क्रॉस कर दिए फिंगर्स करो, सारे बच्चे ऊपर करके हाथ ऊपर करके क्रिस क्रॉस करो, एक हाथ के दूसरे हाथ के, फिर एक हाथ के पीछे से दूसरे हाथ के पीछे से, ये अच्छे से साफ करना है, ठीक है। फिर क्या नेल ऐसे करके साफ कर सकते हैं या फिर ऐसे करके साफ कर सकते हैं, एक हाथ के दूसरे हाथ के भी करना है, दोनों हाथों में करना है, ठीक है। फिर थंब, ये थंब भी साफ करना है ऐसे करके, एक हाथ का दूसरे हाथ का ऐसे करके, ऊपर करो हाथ चार ऐसे करके। फिर जो है रिस्ट भी साफ करनी है, हम लोग क्या करते हैं आगे हाथ से धोते हैं पीछे धोते नहीं है, ये चीज़ भी साफ करनी है रिस्ट, एक हाथ की दोनों हाथों में, ठीक है। फिर पानी से धो के फिर नीचे की तरफ ऐसे पानी छिड़कना है, ये हैंड वॉशिंग की टेक्निक्स होती है, ठीक है। ये सारे बच्चों ने ऐसे हाथ साफ कर सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे यहाँ नहीं आए हैं वो भी अपने घर में जाके जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनको भी सिखाने हैं, आज वो मुझे छुट्टी पे है ना, कल जाके जब आपकी असेंबली होगी सुबह तो आपने उनको हैंड वॉशिंग की टेक्निक सिखानी है, जिससे एक बच्चे ने खड़े होकर, ठीक, ताकि सभी बच्चों को ये आ जाए। और कब कब हैंड वॉश करना चाहिए, खाना खाने के पहले, वॉशरूम जाने के बाद हाथ जरूर साफ करने चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारा औरत है, उसमें आता है हमारा मुखिंग, क्योंकि बोलते हैं कि सारी गंदगी हमारे हाथ से मुँह में जाती है तभी तो हमारे पेट में जाएगी, उसके बाद ही हम बीमार होते हैं ना, क्योंकि हमारे हाथ तो हमें साफ कर लिए। अब हमने मुँह कैसे साफ करना है, ब्रश करना है रोज़, ठीक है। ब्रश पहले तो चलो एक टाइम करते थे लोग तो ठीक है, मगर अब मैंने देखा कि आप बच्चों के बहुत ज़्यादा सारे बच्चों के दांत खराब है, पिछली बार आई थी तो देखा था सब बच्चों का बहुत ज़्यादा दांत खराब है, इसलिए आप बच्चों को दो टाइम ब्रश करना है, सुबह भी और रात को, ठीक है। सभी बच्चे दो टाइम ब्रश करेंगे सुबह भी और रात को, इससे हमारा ओरल हेल्थ जो है मुँह जो है वो साफ रहेगा, ठीक। उसके बाद हमें अच्छे से फेस वॉश करना है, अपना नहाना है, अपने बाल अच्छे से साफ करने हैं, ताकि आप अच्छे से जो अच्छा लगता है लोग बात करना पसंद करते हैं, ठीक है। हम जो अच्छा भागने वाले जो थे वो करते थे, कोई बुलाना पसंद करता है नहीं करता ना, इसलिए हमने अपने आप को साफ सुथरा रखना है, ताकि सब लोग हमसे बात करना पसंद करें, सब लोग हमारे पास बैठे, किसी बच्चे से स्मेल आ रही हो क्योंकि बच्चे उसके पास बैठता है नहीं बैठता ना, बोलते कैसे करना खाते आता है स्मेल आ रही है पास नहीं बैठता है ना, इसलिए हमें अपने आप को साफ सुथरा रखना चाहिए, और हमें ताकि हम बीमारियों से भी दूर रहें, अगर हम अच्छे से साफ सुथरे रहेंगे, रोज नहाएंगे धोएंगे बाल अच्छे से साफ करके बनाएंगे साफ करेंगे, अपने बालों को अच्छे से ब्रश करेंगे, अपने कान साफ करेंगे, नाखून काटेंगे, हाथ साफ करेंगे, तो क्या होगा सभी बच्चे हमारे साथ बांटना पसंद करेंगे, बात करना पसंद करेंगे, आगे चल के जब आपको ये हैबिट बन जाएगी, जब आप साफ सुथरा रहना स्टार्ट करोगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी अच्छे बनने की, और तब आपको फिर आगे अपनी लाइफ में अच्छा रहेगा, क्योंकि जो गंदे बच्चे होते हैं जो गंदे रहते हैं उनको जर्म्स भी ज़्यादा लगते हैं, उनके ऊपर मक्खियाँ भी ज़्यादा बैठती हैं, उससे क्या होता है बीमारियाँ फैलती हैं, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, अपनी पर्सनल हाइजीन के ऊपर ध्यान देना है, आपकी पर्सनल हाइजीन अच्छी होगी तो ही आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। Health is not considered to be mere aspects of the human body. Reality is well-being in the mind, moral, body of a person. इसी सेंटेंस का मतलब क्या है कि हेल्थ जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप फिजिकली फिट हो, आपके हाथ पाँव ठीक है, तो आप जब तक आपका मेंटली आप अच्छे से सोचोगे नहीं, अब आपकी सोच अच्छी नहीं होगी तब भी आप फिट नहीं हो, ठीक है। जब तक आपका फिजिकली मेंटली सोशली आप लोगों के साथ अच्छे नहीं हो तो भी आप फिट नहीं हो। जो लोग गाली गलौज करते हैं वो भी हेल्दी नहीं है, ठीक है, वो बच्चे भी हेल्दी नहीं है जो एक दूसरे को गालियाँ निकालते हैं, एक दूसरे के साथ बदतमीजी बोलते हैं, वो बच्चे भी हेल्दी नहीं है। आज की उसमें ये हेल्थ की डेफिनेशन है कि हम कब स्वस्थ अपने आप को बोलेंगे, जब हमारा फिजिकली मेंटली और सोशली हम फिट होंगे तब जाके हम हेल्दी होंगे, ठीक है। इसलिए हमने एक दूसरे की हेल्प करनी है, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना है, एक दूसरे का अच्छा बोलना है, ताकि हमारी हेल्थ जो है अच्छी रहे, क्योंकि आजकल लोगों को बड़ा डिप्रेशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, क्यों, क्योंकि हम लोग एक दूसरे अच्छे से बात नहीं करते, किसी चीज़ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है उसका हम मजाक उड़ाते हैं, उसको हम हेल्प नहीं करते हैं। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है तो दूसरे बच्चे को उसकी हेल्प करनी चाहिए, है ना, जो उसकी हेल्प करेंगे वो भी अच्छे से पढ़ेगा लिखेगा, अपने आगे जीवन उसका अच्छे से व्यतीत होगा, है ना। इसलिए हमने क्या करना है, अच्छे बच्चे बनना है, हेल्दी बच्चे बनना है, जो अच्छा सोचते हैं, अच्छा काम करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, वही बच्चे अच्छे होते हैं। और हमने एक बात एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि हम
हमने गंद नहीं डालना है, हमने अपना एनवायरमेंट जो है वो क्लीन रखना है, उसको साफ सुथरा रखना है। वो कैसे रखेंगे, कुछ भी खाते हो उसका रैपर जो होता है वो हमेशा डस्टबिन में डालें, ठीक है। अगर डस्टबिन नहीं है तो एक लिफाफा लगा लो क्लास में, ठीक है, उसमें डालो गंद और वो सारा फिर एक डंपिंग एरिया में वहाँ पर डंप कर दो, ठीक है। करोगे, गंद तो नहीं डालोगे आज के बाद, साफ सफाई रखोगे। और एक बात हो, मैंने देखा गाँव के बच्चे जो कुरकुरे टका टक टेढ़ा मेढ़ा और ये फन पॉप ये बहुत खाते हैं, जलजीरा ये चीज़ें बहुत खाते हैं, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब है। इसकी वजह से ही पेट दर्द सिर दर्द होती है बच्चों को, ये अगर आप बंद कर दोगे तो आपके बच्चे हेल्दी हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ ये वाली पांच चीज़ें नहीं खानी, कुरकुरे टका टक टेढ़ा मेढ़ा और ये फन पॉप ये चीज़ें नहीं खानी, ठीक है, ठीक है, समझ आई। हाँ,